हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू वेन क्लासेस। जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा था वैदिक मैथमेटिक्स, हमने 4.1 में एक न्यूनेन पूर्वेन के बारे में सीखा। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी 4.2 में एकाधिकेन पूर्वेन, एकाधिकेन पूर्वेन के सम हम कैसे करेंगे परम मित्र की सहायता से। लेट्स स्टार्ट। सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ एकाधिकेन पूर्वेन एंड परम मित्र सूत्र। हमें एकाधिकेन पूर्वेन से करना है। लास्ट टाइम हमने जो किया था वो एक न्यूनेन था, यानी एक कम। एकाधिक मीन्स होता है एक अधिक, एक ज्यादा। क्लियर? तो इसी तरह से हम इसको करेंगे। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट स्टेप जो है इसका वो सेम ही होगा, जीरो में से टू कट नहीं होते। सो वी टेक परम मित्र ऑफ टू, इस टू का हम परम मित्र लेंगे। तो टू का जो परम मित्र होगा वो कितना होगा, एट। टेन में से टू कट किए क्या हो जाएगा, एट। और इसी एट को हमने ऊपर वाले डिजिट में ऐड कर देना है। एट को जीरो में ऐड किया तो क्या आ जाएगा, एट। क्लियर? तो देखिए यहां पे हमने इसको इस तरह से किया। अब हमें यहां पे एक न्यूनेन की जगह एकाधिकेन मार्क लगाना है। एकाधिकेन मार्क जो लगता है वो नीचे वाले डिजिट के ऊपर लगता है। जो एक न्यूनेन मार्क जो था वो ऊपर वाले डिजिट के नीचे लगता था, बट इसमें एकाधिकेन मार्क जो है वो नीचे वाले डिजिट के ऊपर लगेगा। अब जब ये ऊपर लगेगा तो ये जो थ्री है ये क्या बन जाएगा, फोर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हमारा सेम ही रहेगा, जीरो में से फोर नहीं जा सकते। अब ये थ्री के ऊपर डॉट लगा हुआ, ये फोर है, तो हमें फोर का परम मित्र लेना है। फोर का परम मित्र होता है सिक्स। सिक्स को जब हम जीरो में ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, सिक्स। ओके, अब यहां हमने परम मित्र लिया, फिर से एकाधिक मार्क लगाएंगे। एकाधिक मार्क नीचे वाले डिजिट के ऊपर लगेगा, यानी वन के ऊपर लगेगा, तो ये वन क्या बन जाएगा, टू। अब टू में से टू जा सकते हैं, टू में से टू कट किए तो जीरो। इस तरह से इसका आंसर होगा। अब हम इसकी डायरेक्शन करते हैं। फर्स्ट स्टेप, वी कैन नॉट सब्ट्रैक्ट टू फ्रॉम जीरो, वी कैन नॉट सब्ट्रैक्ट टू फ्रॉम जीरो, सो वी टेक परम मित्र ऑफ, परम मित्र ऑफ टू। परम मित्र ऑफ टू क्या है, एट है। ओके, इस एट को हमने फिर ऐड करना है जीरो में। एड एट प्लस जीरो इक्वल एट राइट बिलो, इसे हम नीचे राइट कर देंगे। अब हमने एकाधिक मार्क लगाया, और कहां पे लगाया, जो टू के पूर्वेन था। ठीक है, यानी टू के पहले था उस पे लगाया। पुट एकाधिक मार्क ऑन थ्री, एकाधिक मार्क डिजिट के ऊपर लगता है तो थ्री के ऊपर लगा। ठीक है, थ्री के ऊपर जब ये मार्क लगा तो ये थ्री क्या बन जाएगा, एक बढ़ जाएगा, ये फोर बन जाएगा। ओके, अब ये फोर बन गया। अब वापिस से हमारा वही स्टेप शुरू होता है कि जीरो में से हम फोर कट नहीं कर सकते। वी कैन नॉट सब्ट्रैक्ट फोर फ्रॉम जीरो, सो वी टेक परम मित्र ऑफ फोर विच इज सिक्स। यहां पे हम फोर का परम मित्र लेंगे सिक्स। अब सिक्स को हमें किसमें ऐड करना है, जीरो में ऊपर डिजिट में। ऐड सिक्स प्लस जीरो सिक्स राइट बिलो। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अभी एक पार्ट हो रहा है हमारा। अब हम एकाधिक मार्क लगाएंगे वन पे। पुट एकाधिक मार्क ऑन वन। तो देखिए जब वन के ऊपर एकाधिक मार्क लगा तो ये क्या बन जाएगा, टू बन जाएगा। ओके, जो नेक्स्ट हमारा स्टेप होगा वो क्या होगा, वन के ऊपर लगा तो क्या बन गया, टू।
अब जो लास्ट स्टेप है हमारा, टू में से टू कट किए, टू माइनस टू इक्वल जीरो राइट बिलो। ओके स्टूडेंट, तरीका सेम ही रहेगा एक यूनियन की तरह, बट सिर्फ डिफरेंस इतना है कि यहां एकाधिक मार्क लगाएंगे और एकाधिक मार्क जो है वो नीचे वाले डिजिट के ऊपर लगता है, जबकि एक यूनियन में हम ऊपर वाले डिजिट के नीचे मार्क लगता था। अब जब ये एकाधिक मार्क उसके ऊपर लगता है तो ये एक बढ़ जाता है, ये एक ज्यादा हो जाता है। ओके क्लियर स्टूडेंट्स, नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू, इसे हम किस तरीके से करेंगे? लुक हियर, जीरो में से नाइन कट नहीं होते, तो नाइन का पैरामीटर क्या होता है? वन। वन को हम जीरो में ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? वन। अब हम एकाधिक मार्क लगाएंगे जीरो के ऊपर, इस नीचे वाले जीरो के ऊपर, तो ये क्या बन गया? वन बन गया। अब जीरो में से वन कट नहीं होते तो वन का पैरामीटर क्या होता है? नाइन। इस नाइन को जीरो में ऐड किया तो यहाँ क्या आ जाएगा? नाइन। ओके, अब वापिस से हम क्या करेंगे? एकाधिक मार्क लगाएंगे थ्री के ऊपर, थ्री क्या बन जाएगा? फोर। तो फाइव में से फोर कट हो सकते हैं, फाइव में से फोर कट किए तो वन। ओके स्टूडेंट्स, चलिए इसके अब डायरेक्शंस करते हैं। लुक हियर, वी कैन नॉट सब्ट्रैक्ट नाइन फ्रॉम जीरो, वी कैन नॉट सब्ट्रैक्ट नाइन फ्रॉम जीरो, सो वी टेक परममित्र ऑफ नाइन विच इज वन। फिर हमने इस नाइन का परममित्र लिया वन और उसे अब हमें ऐड करना है, ऐड वन प्लस जीरो। इस वन को हमने ऐड किया जीरो में तो वन आया, इसे हम नीचे राइट कर देंगे, राइट बिलो। ओके, नाउ वी पुट एकाधिक मार्क, पुट एकाधिक मार्क ऑन जीरो, जीरो के ऊपर एकाधिक मार्क लगाएंगे तो जीरो क्या बन जाएगा? वन बन जाएगा, क्योंकि एकाधिक मीन्स क्या होता है? एक बढ़ जाना। अब देखिए नेक्स्ट, वापिस से जीरो में से वन कट नहीं होते, वी कैन नॉट सब्ट्रैक्ट वन फ्रॉम जीरो, सो वी टेक परमित्र ऑफ वन विच इज नाइन। अब हम यहाँ वन का परमित्र लेंगे क्योंकि ये जीरो जो है ये वन बन चुका है, तो वन का परमित्र नाइन, नाइन प्लस जीरो नाइन, राइट बिलो। ओके, एड नाइन प्लस जीरो नाइन, राइट बिलो। फिर हम वापिस एकाधिक मार्क लगाएंगे, पुट एकाधिक मार्क ऑन थ्री, थ्री के ऊपर एकाधिक मार्क लगा तो क्या बन जाएगा? ये फोर बन जाएगा, फाइव में से फोर जा सकते हैं, सो फाइव माइनस फोर इक्वल वन, राइट बिलो। ओके स्टूडेंट्स, अभी इसका आपको नेक्स्ट पार्ट जो है वो आपको अपने आप ट्राई करना होगा। ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री। इस क्वेश्चन को आप अपने आप ट्राई करेंगे। लुक हियर, 805 608 में से आपको 608 माइनस करना है, बट एकाधिक पूर्वेन सूत्र से। ओके क्लियर, नाउ क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर में देखिए, इसे भी हम उसी तरीके से करना है जैसे हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन किए हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। जीरो में से थ्री कट नहीं होते तो हम क्या लेंगे? थ्री का परममित्र। थ्री का परममित्र क्या होता है? सेवन। थ्री का परममित्र क्या होता है? सेवन। इस सेवन को हमने जीरो में ऐड करना है, सेवन को जीरो में ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? सेवन, और उसी सेवन को हम नीचे राइट कर देंगे। फिर हम एकाधिक मार्क लगाएंगे सेवन के ऊपर जो थ्री से पहले है। ओके, अब ये सेवन क्या बन जाएगा? एट बन जाएगा। जीरो में से एट कट नहीं होते तो एट का परममित्र क्या होता है? टू होता है। एट का परममित्र टू हुआ, उस टू को हमने ऊपर वाला नंबर जीरो में ऐड कर देना है, तो जीरो प्लस टू क्या हो गए? टू, और उसे हमने नीचे राइट कर देना है। नेक्स्ट, पुट एकाधिक मार्क ऑन नाइन। ओके, अब ये नाइन टेन बन गया। क्लियर, तो देखिए नाइन टेन बन गया, ये सेवन में से टेन कट नहीं हो सकते तो टेन का परमित्र क्या होगा? टेन का परमित्र क्या होगा? टेन में से टेन कट किए तो जीरो होगा। टेन का परमित्र क्या होगा? जीरो। जीरो को आप सेवन में ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? सेवन, और इसे नीचे राइट कर देंगे। अब एकाधिक मार्क लगाएंगे आप जीरो के ऊपर, ये बन गया वन। वन में से वन कट हो सकते हैं तो वन में से वन कट किए तो जीरो। ओके, नाउ वी डू डायरेक्शंस ऑफ दिस सम। लेट्स स्टार्ट। वी कैन नॉट सब्ट्रैक्ट थ्री फ्रॉम जीरो,
हम थ्री को जीरो में से कट नहीं कर सकते, सो वी टेक परम मित्र ऑफ, किसका परम मित्र लेंगे, थ्री का, विच इज सेवन। अब इस सेवन को हमने ऐड करना है ऊपर वाले नंबर जीरो में, ऐड सेवन प्लस जीरो इक्वल सेवन राइट बिलो, उसे हम नीचे राइट कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट नाउ थर्ड पार्ट इसका जो होगा, पुट एकाधिक मार्क ऑन सेवन, पुट एकाधिक मार्क ऑन सेवन। तो देखिए सेवन के ऊपर जब हमने एकाधिक मार्क लगाया तो ये सेवन क्या बन जाएगा, ये सेवन हमारा क्या बन जाएगा, एट बन जाएगा। ओके नाउ नेक्स्ट पार्ट, जीरो में से एट कट नहीं होते, वी कैन नॉट सब्ट्रैक्ट एट फ्रॉम जीरो, सो वी टेक, सो वी टेक परम मित्र ऑफ, परम मित्र ऑफ किसका लेंगे, एट का, एट का परम मित्र क्या होगा, टू, परम मित्र ऑफ एट विच इज टू, इस टू को हमने जीरो में ऐड कर देना है, ऐड जीरो प्लस टू टू राइट बिलो। ओके नेक्स्ट पार्ट वही, नाइन के ऊपर एक अधिक मार्क लगाना है, पुट एकाधिक मार्क ऑन नाइन। अब नाइन के ऊपर हमने एकाधिक मार्क लगाया तो ये क्या बन जाएगा, टेन बन जाएगा। ओके क्लियर, नाउ नेक्स्ट जो नेक्स्ट इसका पार्ट है वो क्या होगा, अब हमने नाइन के ऊपर लगाया तो ये टेन बन गया, सेवन में से टेन कट नहीं होते, वी कैन नॉट सब्ट्रैक्ट 10 from 7, so we take param mitra of टेन which is 0, 10 का परम मित्र 0 लेंगे और 0 को हमने ऐड कर देना है 7 में, 0 plus 7, 7 right below। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इसका जो पार्ट है पुट एकाधिक मार्क ऑन जीरो। ओके पुट एकाधिक मार्क ऑन जीरो, इस जीरो के ऊपर लगाएंगे तो ये जीरो क्या बन जाएगा, वन बन जाएगा। ओके ये जीरो वन बन गया तो वन में से वन कट हो सकते हैं, वन माइनस वन जीरो राइट बिलो। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी तरह से ये फोर डिजिट वाले सम होंगे। ओके नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मैं आपको दूंगा करने के लिए, तो आपने इसे खुद ट्राई करने, इसी तरह से उसके डायरेक्शंस बनेंगी और इसी तरह से आप उसे एकाधिक मार्क लगा के सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अभी हमने 4.2 के कुछ क्वेश्चन किए क्वेश्चन 4 तक, अब क्वेश्चन 4 तक, उसके बाद जो 5, 6, 7, 8 और 9 क्वेश्चंस हैं इसे आप अपने आप ट्राई करेंगे, बट इनके सम मैं आपको करवा रहा हूँ, इनकी जो डायरेक्शंस होंगी उन डायरेक्शंस को आप खुद बनाएंगे, आप खुद ट्राई करेंगे। ओके अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन 5। देखिए 5 में से 1 कट हो सकते हैं, हो सकते हैं 5 में से 1 कट हो सकते हैं, तो यहाँ पे हम परम मित्र नहीं लेंगे, सीधा ही इसको कट करेंगे, 5 में से 1 कट किए तो 4। ओके अब हमने यहाँ पे परम मित्र नहीं लिया तो इससे पहले एकाधिक मार्क भी नहीं लगेगा। ओके आगे से हमारा स्टेप वैसे ही करेंगे हम, 0 में से 8 कट नहीं होते, 0 में से 8 कट नहीं होते, यहां हम परम मित्र लेंगे 8 का, 8 का परम मित्र होता है 2, उस 2 को हमने ऐड करना है 0 में, ऐड 2 इन 0 तो क्या आ जाएगा,
टू, और टू को हम नीचे राइट कर देंगे। अब यहां हमने परम मित्र लिया है तो इससे जस्ट पूरक टू के ऊपर क्या लग जाएगा, एकाधिक मार्क लग जाएगा। अब टू क्या बन गया, थ्री, थ्री में से थ्री जा सकते हैं तो यहां भी हम परम मित्र नहीं लेंगे, सीधा ही सब्ट्रैक्ट करेंगे, थ्री में से थ्री कट किए जीरो। अब हमने यहाँ पे भी एकाधिक मार्क नहीं लगाएंगे क्योंकि यहां हमने परम मित्र नहीं लिया। एट में से फाइव कट हो सकते हैं, एट में से फाइव कट किए थ्री। ओके स्टूडेंट्स, इसके डायरेक्शंस भी बहुत इजी बने क्योंकि यहां सिर्फ एक ही जगह एक अधिक मार्क आया है। ओके, नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स, जीरो में से सिक्स कट नहीं होते, वी टेक परामित्र ऑफ सिक्स विच इज फोर, फोर को आप ऐड करेंगे जीरो में, फोर नीचे राइट कर देंगे, पुट एकाधिक मार्क ऑन थ्री, थ्री क्या बन गया फोर, जीरो में से फोर कट नहीं होते, फोर का परामित्र क्या होता है सिक्स, सिक्स को आप जीरो में ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा सिक्स। ओके, फिर एक अधिक मार्क लगाएंगे सेवन के ऊपर, सेवन क्या बन गया एट, तो जीरो में से एट कट नहीं होते, वी टेक परामित्र ऑफ एट विच इज टू, टू को आप जीरो में ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा टू। ओके, नाउ एक अधिक मार्क इसके ऊपर हम टू के ऊपर लगा देंगे तो टू क्या बन जाएगा थ्री, फोर में से थ्री कट हो सकते हैं वन, इसे हम यहां ऐड कर देंगे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर सेवन, जीरो में से फोर कट नहीं होते, जीरो में से फोर कट नहीं होते तो फोर का परमित्र सिक्स, सिक्स को आप जीरो में ऐड करेंगे सिक्स, क्लियर। अब एक अधिक मार्क लगाएंगे जीरो के ऊपर। ओके, जीरो के हमने ऊपर लगाया एक अधिक मार्क तो ये वन बन गया, जीरो में से वन कट नहीं होते, वन का परमित्र क्या होता है नाइन, नाइन को आप जीरो में ऐड करेंगे नाइन, फिर एक अधिक मार्क लगाएंगे नाइन के ऊपर टेन बन गया, ये सेवन में से टेन कट नहीं होते, टेन का परमित्र क्या होता है जीरो, उस जीरो को आप ऐड करेंगे सेवन में, सेवन का सेवन आ जाएगा, फिर एक अधिक मार्क लगाएंगे फोर के ऊपर, ये क्या बन जाएगा फाइव बन जाएगा, नाइन में से फाइव कट हो सकते हैं, नाइन में से फाइव कट किए फोर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एट, जीरो में से फोर कट नहीं होते, वी टेक परमित्र ऑफ फोर विच इज सिक्स, एड सिक्स इन जीरो, जीरो में इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा सिक्स, और इसे नीचे राइट कर देंगे, पुट एकाधिक मार्क ऑन फाइव, सिक्स बन गया ये, जीरो में से सिक्स कट नहीं होते, सिक्स का परमित्र लेंगे फोर, फोर को जीरो में ऐड करेंगे फोर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पुट एकाधिक मार्क ऑन एट, जहां जहां हमने परमित्र लिया वहां वहां उससे पहले हम एकाधिक मार्क लगाएंगे। अब एट क्या बन गया नाइन बन गया, जीरो में से नाइन कट नहीं होते, वी टेक परमित्र ऑफ नाइन विच इज वन, वन को आप जीरो में ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा वन, पुट एकाधिक मार्क ऑन जीरो। अब देखिए यहाँ जीरो आ गया तो जीरो के ऊपर एकाधिक लगा तो एक बन गया, ये वन बन गया, यानी तो वन में से वन कट हुए तो जीरो। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर नाइन, जीरो में से सिक्स कट नहीं होते, सिक्स का परमित्र फोर, फोर को आपने जीरो में ऐड किया तो क्या आ जाएगा फोर, नाइन के ऊपर एकाधिक मार्क लगेगा, नाइन क्या बन जाएगा टेन बन जाएगा, टेन बन गया, जीरो में से टेन कट नहीं होते, टेन का परमित्र जीरो, जीरो को आप जीरो में ऐड करेंगे तो क्या आ जाए यहाँ पे क्या आएगा जीरो। ओके, फिर हम एकाधिक मार्क लगाएंगे एट के ऊपर, एट क्या बन जाएगा नाइन, नाइन जीरो में से नाइन कट नहीं होते, नाइन का परमित्र वन, वन को जीरो में ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा वन। ओके, फिर एकाधिक मार्क लगाएंगे थ्री के ऊपर, ये क्या बन जाएगा फोर, तो नाइन में से फोर कट हो सकते हैं, नाइन में से फोर कट किए तो फाइव, फाइव हम नीचे राइट कर देंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा और इनके डायरेक्शंस आप खुद ट्राई करेंगे। अगर आपको कोई भी किसी भी समय प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।